हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम AEW कंपनी की अपडेट्स के बारे में बात करने के बजाय कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के अगले पेपर्व्यू डबल और नथिंग में जो कैसीनो बैटल रॉयल मैच होने वाला है, उस मैच के लिए जो AEW ने एक मिस्ट्री स्पॉट खाली रखा है, तो हमें उस मिस्ट्री स्पॉट के अंदर कौन सा सुपरस्टार AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू के अंदर फुल कैपेसिटी में क्राउड आने वाला है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि गाइज AEW अपने सभी फैंस को एक काफी बड़ा सरप्राइज देते हुए दिखाई दे सकती है। और वो सरप्राइज AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू के अंदर एक काफी बड़े शॉकिंग डेब्यू के तौर पर हो सकता है, जिस वजह से ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम पॉसिबली उन सभी रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू में अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको मेरा ओपिनियन भी दूंगा कि गाइज मुझे क्या लगता है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू में इन सभी सुपरस्टार्स में से कौन सा सुपरस्टार डेब्यू करेगा। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ उस पहले रेसलर की जो कि हमारी इस लिस्ट पर है। और गाइज ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि हाल ही में WWE के हॉल ऑफ फेमर बने रैप वैन डैम है, जो कि हाल ही में WWE के क्लास 2020 के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए हैं। पर गाइज अब भी रैप वैन डैम रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। और WWE के हॉल ऑफ फेम में जाने से पहले रैप वैन डैम कई सारे रेसलिंग प्रमोशंस के अंदर जाकर अपने कुछ आखिरी बढ़िया मैचेस देना चाहते थे, लेकिन गाइज सडनली रैप वैन डैम को WWE के हॉल ऑफ फेम की तरफ से ऑफर आ गया और रैप वैन डैम WWE के हॉल ऑफ फेमर में चले गए। तो यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है कि अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए रैप वैन डैम WWE के हॉल ऑफ फेमर में इंडक्ट होने के बावजूद भी AEW कंपनी के अंदर आकर AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू के ऊपर एक वन नाइट अपीयरेंस दे सकते हैं। पर गाइज हमारी इस लिस्ट में अगले सुपरस्टार है TNA के इंपैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर मूस, जो कि फिलहाल में TNA इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी के अंदर केनी ओमेगा के खिलाफ केनी ओमेगा के TNA इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फ्यूट कर रहे हैं। और हाल ही में बात करते हुए मूस ने यह भी हिंट किया था कि मूस प्रोबेबली AEW के डबल और नथिंग पेपर्व्यू के अंदर कैसीनो बैटल रॉयल मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मूस का तो इस लिस्ट के ऊपर आना बनता है, क्योंकि गाइज कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीतने वाला सुपरस्टार AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बनने वाला है। और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा है, जिनकी मूस के साथ इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर राइवलरी चल रही है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि मूस AEW कंपनी के अंदर कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर आए और वो AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी नंबर वन कंटेंडर बन जाए। और आगे चलकर इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर मूस का केनी ओमेगा की इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ साथ AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी मैच हो, पर गाइज ही होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी मूस ने अपना TNA इंपैक्ट कंपनी के साथ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, तो देखते हैं कि क्या AEW के कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर मूस आते हैं या नहीं। लेकिन गाइज हमारे लिस्ट में अगले सुपरस्टार है WWE के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल, जिनके बारे में बात करते हुए मैंने आपको लास्ट की अपडेट्स की वीडियो में ही बता दिया था कि किस तरीके से NBA लेजेंड शाकिल ओनील चाहते हैं कि कर्ट एंगल AEW कंपनी के अंदर आए, पर कर्ट एंगल किसी भी तरीके से अब रेसलिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन फिर भी कर्ट एंगल फिलहाल में काफी बढ़िया शेप के अंदर है, तो क्या पता अगर कर्ट एंगल का मूड चेंज हो जाए तो कर्ट एंगल AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू के अंदर कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर एक मिस्ट्री पार्टिसिपेंट बनकर AEW के डबल और नथिंग पेपर्यू में एक अपीयरेंस दे सकते हैं। पर इसके साथ ही हमारी इस लिस्ट में अगले सुपरस्टार है मार्टी स्क्रल, जो कौन है ये अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्टी स्क्रल द इलीट का हिस्सा है। और जब द इलीट यानी कि केनी ओमेगा, यंग बक्स, कोडी रोड्स और एडम हैंगमैन पेज इन्होंने AEW कंपनी नहीं बनाई थी और ये सब रिंग ऑफ ऑनर और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एक साथ थे, तब मार्टी स्क्रल भी द इलीट का हिस्सा थे। लेकिन गाइज द इलीट के बाकी सभी मेंबर्स का कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म हो गया लेकिन मार्टी स्क्रल का नहीं, इसीलिए ही मार्टी स्क्रल AEW कंपनी शुरू होने के बाद AEW कंपनी के अंदर नहीं आ पाए। पर इसके बाद जब मार्टी स्क्रल को टाइम मिला तब भी मार्टी स्क्रल ने AEW का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तब उन्हें रिंग ऑफ ऑनर की तरफ से काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था जो कि AEW के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काफी बड़ा था। पर हाल ही में हुए रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पीकिंग आउट मूवमेंट के चलते रिंग ऑफ ऑनर ने मार्टी स्क्रल को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, तो यहाँ पर अच्छा खासा चांस बनता है कि अब मार्टी स्क्रल AEW कंपनी के अंदर आए। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या AEW कंपनी मार्टी स्क्रल के ऊपर लगे हुए एलिगेशन के साथ मार्टी स्क्रल को AEW कंपनी के अंदर साइन करती है या नहीं। पर गाइज हमारे लिस्ट में अगले सुपरस्टार आते हैं CM Punk, जिनका के नाम तो ऐसे हर लिस्ट के ऊपर आता है। पर जहां तक बात है CM Punk की, तो गाइज फिलहाल में मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर CM Punk के रिटर्न के लिए कोई भी चांस है। पर हाल फिलहाल में CM Punk सोशल मीडिया के ऊपर AEW के सभी सुपरस्टार्स के साथ काफी क्लोजली बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर ब्रिट बेकर
के लिए उनके एक्शन फिगर्स की डिमांड करना और यंग बक्स के स्टाइल में उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर न्यू बायो लिखना, इससे मुझे लगता है कि सीएम पंक कहीं ना कहीं AEW कंपनी के साथ काफी क्लोज हो रहे हैं और इसीलिए ही मैंने इस लिस्ट के अंदर सीएम पंक का नाम इन्वॉल्व किया है कि क्या पता यही AEW के सुपरस्टार्स के साथ काफी क्लोज आकर सीएम पंक हमें AEW के कसिनो बैटल रॉयल मैच के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर आपको भी पता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। लेकिन गाइज, हमारी इस लिस्ट में अगले सुपरस्टार आते हैं टेसा ब्लैंचर्ड। और अगर आप ये नाम सुनकर हैरान हो रहे हैं कि टेसा ब्लैंचर्ड AEW के कसिनो बैटल रॉयल मैच के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी WWE के अंदर रॉयल रंबल मैचेस में फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया है और टेसा ब्लैंचर्ड तो TNA इंपैक्ट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज टेसा ब्लैंचर्ड किसी भी रेसलिंग कंपनी के मेल्स डिवीजन को भी डोमिनेट कर सकती है। और अगर ऐसा है तो गाइज हमें टेसा ब्लैंचर्ड AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर कसिनो बैटल रॉयल मैच में एक मिस्ट्री पार्टिसिपेंट के तौर पर देखने को मिल सकती है। और क्या पता AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू में अपना डेब्यू कर टेसा ब्लैंचर्ड द पेनिकल की नई फीमेल फैक्शन मेंबर बन जाए। पर गाइज हमारे लिस्ट में अगले सुपरस्टार आते हैं एरिक रेडबियर्ड, जिन्हें आप WWE के अंदर एरिक रोवेन के नाम से जानते होंगे। और गाइज एरिक रेडबियर्ड के WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद ब्रॉडी ली के चलते एरिक रेडबियर्ड AEW कंपनी के अंदर आ सकते थे, पर ब्रॉडी ली चल बसे और ब्रॉडी ली के जाने के बाद हमें एरिक रेडबियर्ड की तरफ से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनके लिए एक ट्रिब्यूट देखने को मिली थी जहां पर एरिक रेडबियर्ड भी इन्वॉल्व थे। पर इसके बाद से हमें अब तक एरिक रेडबियर्ड AEW कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिले है और वैसे भी द डार्क ऑर्डर बिना डायरेक्शन के चल रही है, तो गाइज हमें पॉसिबली एरिक रेडबियर्ड AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर हमें वो AEW कंपनी में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते है और क्या पता वो आगे चलकर डार्क ऑर्डर के नए लीडर भी बन जाए। पर गाइज इसके बाद हमारे लिस्ट पर आते हैं कोटा इबुशी, जो कौन है अगर आप नहीं जानते तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटा इबुशी जापान के काफी बड़े सुपरस्टार है, जिन्होंने जब केनी ओमेगा जापान में थे तब उनके साथ एक टैग टीम के अंदर काम किया है। और गाइज फिलहाल में द फॉरबिडन डोर तो खुल चुका है, तो इसका मतलब कि जापान के कई सारे रेसलर्स AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ सकते हैं। और वैसे भी फिलहाल में जापान के अंदर COVID-19 का काफी बड़ा आउटब्रेक हो चुका है, जिससे जापान के काफी सारे रेसलिंग शोज कैंसिल हो चुके हैं। और गाइज जापान के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स कोजुशिका ओकाडा भी COVID-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं, जिससे कि फिलहाल में तो जापान के अंदर रेसलिंग शोज नहीं हो सकते। तो क्या पता इस फॉरबिडन डोर का इस्तेमाल कर हमें कोटा इबुशी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे, जो कि AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बनकर आगे चलकर अपने फॉर्मर फ्रेंड केनी ओमेगा के खिलाफ एक काफी बढ़िया मैच दे सकते हैं। पर ये सब जापान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो कोटा इबुशी को AEW कंपनी के अंदर भेजना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज हमारे लिस्ट पर अगले सुपरस्टार आते हैं अंद्रादे, जो कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार है और फिलहाल में AAA लुचा लिब्रे कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और गाइज अगर आप हमारे चैनल की अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अंद्रादे फिलहाल में केनी ओमेगा के AAA मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं, जो शो हमें TripleMania 29 के अंदर यानी कि अगस्त 14 को देखने को मिलने वाला है। और इस चैंपियनशिप के जरिए तो अंद्रादे और केनी ओमेगा फिलहाल में काफी बड़े राइवल बन चुके हैं और क्या पता इसी का फायदा उठाकर अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर आकर ये कसिनो बैटल रॉयल मैच जीतकर भी केनी ओमेगा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर बन जाए। पर गाइज जहां तक बात है अंद्रादे की, तो मुझे लगता है कि अंद्रादे और मूस के साथ सेम ही सिचुएशन है। पर इसके बाद जो हमारी लिस्ट के ऊपर अगले रेसलर आते हैं उन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि गाइज ये है क्रिस हीरो, जिन्हें की अगर आप WWE NXT देखते हैं तो आपको पता होगा कि इनका नाम WWE NXT के अंदर कैशियस ओनो था। पर गाइज इनके एज के चलते WWE ने कभी भी कैशियस ओनो को उनकी कंपनी के अंदर पुश नहीं दिया और अब कैशियस ओनो यानी कि क्रिस हीरो एक फ्री एजेंट है, जो कि हमें पॉसिबली AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर अपना एक मिस्ट्री डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि कैशियस ओनो के अंदर इतना बड़ा सरप्राइज कैसे आ सकता है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैशियस ओनो या फिर क्रिस हीरो ये इंडी रेसलिंग के अंदर एक काफी बड़ा नाम है। और गाइज जब एक टाइम के लिए WWE के अंदर WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन द शील्ड के प्रिपरेशन की मीटिंग चल रही थी, तो गाइज उस मीटिंग के अंदर सीएम पंक ने कहा था कि शील्ड फैक्शन के अंदर डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलेंस के साथ क्रिस हीरो होने चाहिए, जो बात कहकर सीएम पंक ने एक टाइम के लिए शील्ड के अंदर क्रिस हीरो को रोमन रेंज की जगह लाने का सोचा था। पर गाइज WWE ने सीएम पंक का आइडिया रिजेक्ट कर दिया और वो द शील्ड के अंदर क्रिस हीरो की जगह रोमन रेंज को लाए। तो इसी है आप समझ सकते हैं कि गाइज क्रिस हीरो कितने बड़े सुपरस्टार थे कि उन्हें द शील्ड जैसे एक बहुत ही बड़े फैक्शन का मेंबर बनने का मौका मिला था, पर वो उनकी एज के चलते शील्ड के अंदर नहीं आ पाए। इसीलिए अभी अगर क्रिस हीरो AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर अपना सरप्राइज डेब्यू करते हैं तो उनका AEW कंपनी के अंदर एक काफी
बढ़िया लास्ट टर्न हो सकता है। पर गाइज इसके बाद हमारे लिस्ट में अगले रेसलर आते हैं पॉल व्हाइट, जिन्हें कि आप WWE के अंदर बिग शो के नाम से भी जानते होंगे। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी ने पॉल व्हाइट यानी कि बिग शो को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, और फिलहाल में बिग शो AEW कंपनी के अंदर एक कमेंटेटर का रोल कर रहे हैं। पर बिग शो को अपने कंपनी के अंदर साइन करते समय टोनी खान ने ये भी कहा था कि एक टाइम के लिए बिग शो AEW कंपनी के अंदर रेसल भी करने वाले हैं। और फिलहाल में AEW ने अनाउंस कर दिया है कि पॉल व्हाइट AKA द बिग शो AEW के इस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के लिए स्पेशल कमेंट्री करने वाले हैं, जिससे कि पॉल व्हाइट तो AEW के कैसीनो बैटल रॉयल मैच के काफी करीब रहने वाले हैं। तो क्या पता वो इसी मैच के अंदर अपना AEW डेब्यू करे। पर गाइस पॉल व्हाइट के अलावा हमारी इस लिस्ट पर सेकंड लास्ट रेसलर है डेनियल ब्रायन, जो कि फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करने के लिए काफी सुटेबल रेसलर है, क्योंकि डेनियल ब्रायन का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और ब्रायन चाहते हैं कि वो फिलहाल में WWE के अलावा काफी सारे डिफरेंट प्रमोशंस के अंदर जाकर रेसल करे, जिसके चलते फिलहाल में तो डेनियल ब्रायन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे हॉटेस्ट फ्री एजेंट है। और डेनियल ब्रायन के लिए तो हमेशा से ही पैसों से ज्यादा रेसलिंग आती है और वो हमेशा से ही केनी ओमेगा को फेस करना चाहते हैं। तो क्या पता यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर डेनियल ब्रायन अपना AEW डेब्यू कर आगे चलकर केनी ओमेगा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमें चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेनियल ब्रायन पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को शॉक कर सकते हैं। पर गाइस डेनियल ब्रायन के साथ ही हमारी इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम जिस सुपरस्टार का आता है वो कोई और नहीं बल्कि WWE के बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है, जो आपको अगर नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल में एक फ्री एजेंट है और फिलहाल में ब्रॉक लेसनर WWE के अलावा किसी और प्रमोशन के अंदर काम कर सकते हैं, जिससे क्या पता AEW ब्रॉक लेसनर को अपनी कंपनी के अंदर लाने की ट्राई करे। पर अगर AEW ऐसा करते हैं तो WWE को इस चीज की भनक लग जाएगी और WWE कभी भी ब्रॉक लेसनर को अपनी कंपनी से जाने देना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का क्या होता है। पर गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर AEW यहाँ पर कोई सरप्राइज प्लान कर रही है तो गाइज वो प्रोबेबली डेनियल ब्रायन या फिर CM Punk हो सकते हैं, जो कि AEW के कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर अपना सरप्राइज डेब्यू करे। पर अगर यहाँ पर AEW के लिए कोई सरप्राइज नहीं है तो गाइज यहाँ पर हमें AEW पॉल व्हाइट AKA द बिग शो के साथ जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा रेसलर AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर अपना डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइज यही मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड सभी रियल टाइम अपडेट्स, न्यूज और स्पेशल आर्टिकल्स हमारा वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी AEW का कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले पता चलता है। और गाइज आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सभी सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज मैं आपको ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है, क्यों है और कैसे है ये सभी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?